जहां पांच राज्यों में मिली हार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं 2019 से पहले पार्टी के लिए वो चार राज्य चुनौती बन गए हैं जहां उसने 2014 में प्रचंड जीत हासिल की थी। आइए जानते हैं किन चार राज्यों में बीजेपी संकट में है। 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन 2019 में वापसी के लिए पार्टी को कांटे भरे रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि बीजेपी की राहें इतनी आसान नहीं होने वाली। खासकर पार्टी को उन चार राज्यों में तगड़ी चुनौती मिलने वाली है जिनमें उसने कभी क्लीन स्वीप किया था, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। ये चार राज्य हैं यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड। पहले बात करते हैं यूपी की। यूपी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2014 में बीजेपी ने यहां गजब का प्रदर्शन करते हुए राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 में जीत हासिल की थी, जिसके बाद यही सिलसिला साल 2017 में भी जारी रहा, जहां पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सरकार बनाई। लेकिन हाल ही में सपा बसपा के साथ आ जाने के बाद पार्टी की कहानी कुछ खराब होती दिख रही है, क्योंकि इसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के हिस्से हार आई है, जो कि 2019 के लिए खतरे की घंटी है। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत खराब है, क्योंकि वहां उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना उसी के लिए मुसीबत बन चुकी है, जिसके नेता आए दिन प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। यहां भी 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा, जो इस बात का इशारा कर रहा है कि जनता का मूड किस तरफ है। 2014 में बीजेपी ने राज्य की 24 सीटों में से 23 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। तीसरा है गुजरात। पिछले कुछ समय से गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है, हालांकि इस बार हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी इस गढ़ को बमुश्किल ही बचा पाई, जिस वजह से उसे 16 सीटों का नुकसान भी झेलना पड़ा। 2019 को देखते हुए इसी वजह से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात पर खासा ध्यान दे रहे हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसी न किसी बहाने से जोड़ी राज्य का दौरा कर रही है। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने इस राज्य में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। चौथा राज्य है झारखंड। झारखंड भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, जिसकी तस्दीक इस बात से मिलती है कि यहां हुए 3 उपचुनाव में बीजेपी एक भी नहीं जीत सकी। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो राज्य की 14 सीटों में से बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी के लिए राज्य 2019 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। तो ये थी उन चार राज्यों की तस्वीर जहां बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में करीब करीब क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन ताजा हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि 2019 में बीजेपी इन राज्यों में 2014 वाला प्रदर्शन शायद ही दोहरा पाए। वही अब देखना यह होगा कि मोदी और शाह की जोड़ी इन राज्यों की चुनौती से पार पाने के लिए क्या कदम उठाती है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।